दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करने वाले आपके टर्नर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों चलिए एक करके इस चीज के बारे में हम समझेंगे। अब इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करूँ तो ईयर 1994 में ये जो कॉलेज था आपका एस्टैब्लिश हुआ था, वही इसके लोकेशन की बात करूँ नेहरू वेस्ट में नवी मुंबई में ये जो कॉलेज आपका स्थित है वही AICTE द्वारा अप्रूव्ड है और इसका जो स्टेटस है नॉन ऑटोनोमस का कॉलेज है दोस्तों। अब यही पे अगर इसकी DTE कोड की अगर बात करूँ 3190 इसका DTE कोड है दोस्तों। वहीं पर अगर इसकी NAC ग्रेडिंग की बात करूँ तो NAC द्वारा इसको A ग्रेड क्या प्रोवाइड किया गया। अब यहाँ पे कोर्सेज की मैं बात कर लेना चाहूंगा। जो कोर्सेज यहाँ पे ये जो प्रोवाइड कर रहा है ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपको जो है मास्टर्स इंजीनियरिंग के भी प्रोवाइड करता है और यहाँ पे BE की अगर बात करूँ तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ डिजाइन, ये तो अलग कोर्स हो गया आपका। तो ये सारी कोर्सेज क्या आपके ये जो कॉलेज है आप प्रोवाइड करता है। इनकेस इफ यू आर इंटरेस्टेड एनी ऑफ दिस कोर्स यू कैन अवेल द एडमिशन इन दिस कॉलेज। अब यहाँ पर अगर इस कोर्सेज की अगर बात करूँ तो BE इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका 102379 है, AI और डाटा साइंस जो है 125058 है, वहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 100495 है दोस्तों, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो हमें कट ऑफ देखने मिलता है यहाँ पे 236870 है दोस्तों। अब वहीं पे अगर इसके ट्यूशन फी की अगर मैं बात करूँ तो 23.9K से लेकर 4.8 लाख तक का इसका ट्यूशन फी है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर इसके हाईएस्ट के प्लेसमेंट की बात करूँ 20 लाख इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है, ऑन एन एवरेज की अगर बात करूँ तो 4.5 लाख का उसका ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट हमें यहाँ पे देखने मिलता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझी होंगी दोस्तों और ये आपका क्या कॉलेज का रिव्यू था। आई होप अगर चीज़ आपको क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोज हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप अपडेट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों।